प्लीज़ वेलकम बैक टू माई चैनल मायशा ऑफिशा। मैं हूँ मायशा और आपको मेरे पीछे का व्यू पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं। मैं संबलपुर के एक मतलब जगह पे आई हूँ जो जिसको डाइक बोलते हैं, मतलब ये संबलपुर की डाइक है और ये जमादर पाली में है। और एक्चुअली हम लोग संबलपुर एक्सप्लोर करने आए हैं, मतलब मैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड। आपको तो वो मैं उसको दिखाई थी, आपको उसके साथ आप पहले मिल चुके हो, तो हम वो संबलपुर आई थी तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और मैं ये सेकेंड टाइम आई हूँ ये जगह पे। मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है इसका। और ये एक्चुअली वन साइड का है, उसके एक और साइड में बहुत ही अच्छा व्यू है। यहाँ पे वो जो क्या बोलते हैं नाव वगैरह भी है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मछुआरा जो क्या बोलते हैं उसको, जो फिश पकड़ते हैं वो सब यहाँ पे फिश पकड़ते हैं यहाँ पे आके। तो मैं आपको दिखा रही हूँ इसका व्यू। तो आज का ब्लॉग बहुत ही छोटा ही रहेगा, मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए मतलब ऐसा बना रही हूँ। तो हमारी जो संबलपुर की खूबसूरती है आप उसको एंजॉय करो। पता नहीं मुझे लगता है कि मैं जो उड़ीसा में और कोई भी जगह नहीं है संबलपुर जगह, मतलब संबलपुर की जैसा कोई भी जगह नहीं है कि ऐसी इतनी नेचुरल जगह पता नहीं कहाँ पे है कि नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे हीराकुद है और डाइक है, ये सब है, तो मतलब बहुत खूबसूरत चीज़ें हमारे टाउन में है। तो आप लोग एंजॉय करो और मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड आई हूँ उनके उसके साथ मिलाना, पता नहीं मैं मतलब आप लोग तो उसके साथ मिल चुके हो पहले से, तो इसलिए मैं बाद में मिलाऊंगी आपको। वहाँ पे पीछे मेरे पीछे खड़ी हो, तो हम लोग स्कूटी में आए हैं यहाँ पे। और यहाँ मैं मतलब ऐठा पाली के पास ही है, मतलब जमादर पाली एक जगह वहीं पे है, बहुत ही पास है, मतलब ऐठा पाली बस स्टैंड से बहुत ही नियरेस्ट है। और आप लोग ऑटो से बाइक से कोई भी गाड़ी से आप आ सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। Hey guys, मैं ये जगह के बारे में आपको थोड़ी सी बोल रही हूँ। और ये है राइट डाइक, मतलब लेफ्ट में एक ठो है और राइट में एक ठो है। इसको मतलब ये संबलपुर की डाइक है और एक ठो है हीराकुद का डाइक है, मतलब बुल्ला के तरफ है वो। और ये संबलपुर जमादर पानी के जमादर पास है और जहाँ पे हमारा जो एयरपोर्ट है वहीं के आसपास है। संबलपुर का जो एयरपोर्ट था वहीं के आसपास ही है। और भी चीज़ें मैं बताऊँगी आपको बाद में। तो गाइस हम लोग यहाँ पे 3:30 के अंदर ही आए थे, तो ये इसका सनसेट का टाइम हो गया था, इसलिए इसका व्यूज़ और ही अच्छा लग रहा है। और सनराइज़ के टाइम भी बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और यहाँ से आपको झारसुड़ा का रोड है, यहाँ से ये रास्ता। तो गाइस आप लोग देखिए हमारे मतलब यहाँ का ब्यूटी, मतलब संबलपुर की ब्यूटी आप लोग एंजॉय किए को। और मुझे तो ये सब बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब यहाँ पे हम लोग मैं तो सेकंड बार आई हूँ यहाँ पे। पहले एक बार मेरे हॉस्टल के जो फ्रेंड थे उनके साथ आई थी, और अभी इसके साथ आई हूँ, मेरे फ्रेंड के साथ आई हूँ। तो यहाँ पे ना मछुआरे लोग मछली पकड़ रहे हैं और सूरज भी डूबने को आया है। तो हम लोग अभी लौट रहे हैं, मतलब लौटेंगे अभी, घर जाएंगे, रास्ते में कुछ पियेंगे खाएंगे ऐसे जाएंगे हम लोग, फिर घर चले जाएंगे। तो आज का तो घूमना फिरना ख़त्म हो गया। तो यहाँ से आप ऐठा वाली के तरफ ही ये है, तो ऐठा वाली के तरफ आप आ सकते हो। यहाँ पे देखिए मछुआरे लोग मछली पकड़ रहे हैं, कितनी अच्छी व्यू है, आप लोग को दिखाई दे रहा है कि ना पता नहीं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये। लीची
पे घूमने के बाद यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी लेंगे, नहीं तो क्योंकि बहुत ही गर्मी हो रहा था। और हम लोग यहाँ पे, मैं तो लीची पी रही थी, वो पेपर बोट का, माजा पी रही थी। तो इसके बाद हम लोग घर चले गए थे। और ये छोटी सी वीडियो था आपको ये जगह के बारे में बोलने के लिए ही था। तो आई होप कि आप लोग ये जगह एंजॉय किए होंगे, और नेक्स्ट मैं और भी वीडियोस डालूंगी संबलपुर के बारे में। तो ये लॉकडाउन को ख़त्म हो जाने दीजिए। तो टेक केयर, बाय बाय।